सोनी वायो। मशहूर जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी का ब्रांड वायो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन वगैरह की निर्माता रही है। कंपनी के कंप्यूटर जितने स्मार्ट हैं, उनका लोगो भी उतना ही स्मार्ट है। कंपनी ऐसा लोगो बनाना चाहती थी जिसमें वायो लिखा होने के साथ साथ एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी एक साथ दिखे, इसलिए लोगो का पहला हिस्सा वी और ए वाला एनालॉग वेव दिखा रहा है, जबकि दूसरा आई और ओ वाला बाइनरी। ये एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें वन और जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। ओला। ओला कैब्स का नाम इंडिया में एक जाना पहचाना नाम है, और हाँ, कभी ना कभी आपने भी ओला कैब में जरूर सफर किया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई इससे अनजान है तो हम आपको बता दें कि ओला कैब्स एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी टैक्सी, ऑटो इत्यादि बुक करके अपने गंतव्य तक सफर कर सकता है। दरअसल ओला शब्द स्पेनिश ओला से लिया गया है, जिसमें एच साइलेंट होता है और जिसका अर्थ है हेलो या नमस्ते। अब चलिए इसके लोगो में छिपे तीन अर्थ को समझते हैं। ओला के लोगो को बहुत बखूबी से बनाया गया है, जिसमें ओ जो है वो ओला का पहला अक्षर दर्शाता है। इसके अंदर पीला रंग टैक्सी सर्विस के कलर को दर्शाता है, और पूरा ओ अक्षर एक टायर को दर्शाती है जो कि इनकी मुख्य धारा है। फेडेक्स। अमेरिकी कंपनी फेडेक्स एक कुरियर डिलीवरी सर्विस देने वाली सबसे मशहूर कंपनी है। फेडेक्स दरअसल कंपनी के नाम का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि फेडरल एक्सप्रेस है। फेडेक्स कंपनी को उसके लोगो की सार्थकता के लिए बीते सालों में 40 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट ने कहा है कि फेडेक्स के डिजाइन में छिपा राज सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके लोगो में ई और एक्स के बीच में एक एरो दिखाई देगा, जो इसके काम करने की गति, एक्यूरेसी और स्पष्ट दिशा को बताता है। यूनिलीवर। लाइफ बॉय, लक्स, ब्रिज, रेक्सोना, पियर्स और हमाम जैसे साबुन और सनसिल्क और क्लिनिक प्लस जैसा शैम्पू, सर्फ एक्सल, रेन व्हील जैसे सर्फ, क्लोज अप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट या फिर फेयर एंड लवली जैसी क्रीम, ये सब एक ही विशाल का एक कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जिसका नाम है यूनिलीवर। भारत में ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से कारोबार करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है। हर तीन में से दो भारतीय इस इंग्लैंड की कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं, और इससे इंग्लैंड को बहुत लाभ हो रहा है तथा रुपयों की कीमत कम हो रही है, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल स्वदेशी सोच को दरकिनार करते हुए हम यहाँ आपको इसके लोगों में छिपे अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके लोगों की बात करें तो आपको यूनिलीवर का पहला अक्षर यू दिखाई देगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो यू के अंदर आपको 25 तरह की अलग अलग आकृतियां दिखाई देगी, जो कि मिलकर यूनिलीवर का यू लेटर बना रही हैं। ये आकृतियां यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स की रेंज, उनकी सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे हाथ स्किन और स्पर्श दिखाता है, तो चम्मच खाने के प्रोडक्ट्स, तो होंठ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और कपड़े सफाई के साथ इसके वॉशिंग प्रोडक्ट्स को दर्शाता है। और ऐसे ही हर सिंबल का एक अलग अर्थ है, जो कि उनके प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज को दर्शाता है। कोका कोला। आप फेंटा पिए या स्प्राइट या थम्स अप या फिर कोका कोला, लेकिन ये सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जिसका नाम है कोका कोला। चलिए हम आपको बताते हैं इसके लोगों में छिपे अर्थ को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ओ और एल के बीच में डेनमार्क का झंडा दिखाई देगा, और आपको बता दें कि डेनमार्क दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, और कोका कोला की टैगलाइन भी पिछले 7 सालों से यही कहती है, ओपन हैप्पीनेस। लेकिन देखा जाए तो ये महज एक इत्तेफाक ही है। एलजी। कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी एलजी में एल और जी आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आंख मारता हुआ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नजर आएगा, जिसमें एल से नाक बनी हुई है और बिंदु यहाँ आंख दिखा रहा है। मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि कंपनी अपने ग्राहकों के चेहरे पर वही देखना चाहती है। वैसे अगर आप इस लोगो को जरा सा बदलेंगे तो आपको दुनिया का सबसे मशहूर गेम पैकमैन दिखाई देगा। एप्पल। मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो से आज बच्चा बच्चा भी परिचित है। हो सकता है आपके पास एप्पल का फोन या आईपैड भी हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि लोगो का सेब थोड़ा सा कटा हुआ क्यों होता है?
पूरा सेब भी तो हो सकता था लोगों में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? दरअसल 1977 में रॉब जेनिफ ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया, तो पहली नजर में जॉब्स को ये चखे हुए सेब का लोगो भा गया। चखे हुए सेब के बारे में बताया जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन टन की याद में बनाया गया है, जिनकी 1954 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास एक चखा हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ था। आपने उनके ऊपर बनी द इमिटेशन गेम नाम की फिल्म तो शायद जरूर देखी होगी। वहीं दूसरी तरफ जेनिफ बताते हैं कि चूंकि सेब एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी पहचान नहीं बदलती, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया। अगर वो सेब पूरा रखते तो उसे दूसरे गोल फल जैसा भी समझकर लोग भ्रमित हो सकते थे। जेनिफ बताते हैं कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल इसलिए रखा क्योंकि उत्तर कैलिफोर्निया में उनका सेब का एक बाग था और वहां उनका काफी समय बीता था। साथ ही स्टीव सेब को एक मुकम्मल फल मानते थे। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की सूची में एप्पल सबसे ऊपर था, ये नाम उन्होंने ही दिया था। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।